नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल के बारे में। अग्निपथ सैन्य भर्ती के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। बिहार के ज़्यादातर जिलों में इस विरोध प्रदर्शन की आँच लग चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति का खासा नुकसान हो रहा है। उग्र छात्र द्वारा रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर रेलवे स्टेशन को सबसे पहले टारगेट किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ जारी है। ऐसे में यात्रियों का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेगूसराय के लखमनिया, वैशाली, नालंदा, मुंगेर आदि जिलों में युवाओं और छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके कारण ट्रेन सेवा पूरी तरीके से बाधित है। साथ ही साथ सड़क मार्ग पर भी लोगों को यात्रा के दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जहां के तहां, यानी कि कह लें कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण लोग जो है जहां के तहां एक तो सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग से भी फंसे हुए हैं। बिहार में शुक्रवार की सुबह से ही इस योजना के विरोध प्रदर्शन में हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत देखी गई है। बिहार के ज़्यादातर जिलों में की खबरें जो आई है उसमें कहा जा रहा है कि ट्रेन रोकने और सड़क जाम को लेकर जो है खबरें निकल कर सामने आई है। लखीसराय में सैकड़ों युवाओं की संख्या में लखीसराय स्टेशन पर पहुंचकर तोड़फोड़ किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे उग्र छात्रों ने आनंद विहार टर्मिनल, जो कि दिल्ली से चलकर भागलपुर पहुंचती है, विक्रमशिला सुपरफास्ट को भी आग के हवाले कर दिया है। इसमें ट्रेन की कई बोगियां जलकर खाक हो गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। रेलवे की अधिकारियों की अगर हम माने तो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब इसका आकलन होगा तो कहा जा रहा है कि रेलवे को खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात समस्तीपुर की कर लें तो यहाँ दो यात्री ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मोहद्दीनगर रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें ट्रेनें धो धो कर जल उठी। धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के को भी आग के हवाले कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों में बेगूसराय, नालंदा, मुंगेर, दानापुर आदि जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। बेगूसराय में विरोध कर रहे छात्रों ने लखमनिया स्टेशन पर घुसकर दस्तावेजों को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जिले में भी विरोध प्रदर्शन को साफ तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले आरा रेलवे स्टेशन पर उग्र छात्रों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगी दुकानों को पूरी तरीके से लूट लिया। इससे इन दुकानदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम योजनाओं को एक बड़ा मौका देगी। पिछले दो सालों में कोरोना के चलते युवाओं की भर्ती को मौका नहीं मिला था, इसलिए पीएम मोदी के आदेश पर सरकार ने दो साल की आयु सीमा में छूट दी है। यानी कि इससे पहले जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो बात कही गई थी उसमें कहा गया था कि 21 साल के युवा शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब इस उम्र सीमा को 23 बरस कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत ही जल्द इसकी भर्ती प्रक्रिया की भी शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि राजद के गुंडे इसमें सक्रिय हैं, तो खास करके उन्होंने बिहार का जिक्र किया जिसमें उन्होंने राजद पे आरोप लगाया है। बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही है। ऐसे में अब देखना है कि इस अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्र और सरकार के बीच में किस तरह की स्थिति बनती है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।